महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। कोर्ट क्या फैसला करेगा इस पर सभी की नजर रहेगी। सत्ता संघर्ष के परिणाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच कुछ कानूनी विशेषज्ञ और विपक्ष दावा कर रहे हैं कि सत्ता संघर्ष के परिणाम से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संघर्ष के संभावित परिणाम पर चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। यह कहना मूर्खता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एकनाथ शिंदे इस्तीफा क्यों देंगे, उन्होंने क्या गलत किया है? फडणवीस ने भी इस वक्त ऐसा ही सवाल किया। वे लातूर में मीडिया से बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। कोर्ट क्या फैसला करेगा इस पर सभी की नजर रहेगी। सत्ता संघर्ष के परिणाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस बीच कुछ कानूनी विशेषज्ञ और विपक्ष दावा कर रहे हैं कि सत्ता संघर्ष के परिणाम से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संघर्ष के संभावित परिणाम पर चर्चा पर प्रतिक्रिया दी। यह कहना मूर्खता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एकनाथ शिंदे इस्तीफा क्यों देंगे, उन्होंने क्या गलत किया है? फडणवीस ने भी इस वक्त ऐसा ही सवाल किया। वे लातूर में मीडिया से बात कर रहे थे।